हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और आज मैं गई थी, अभी ही आ गई, हो गया आधा घंटा पहले मैं आ गई ही, बेटी का स्कूल गई थी। आज बेटी का जो मार्कशीट है वो मिला स्कूल में, तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और वो मार्कशीट देखने के लिए ही मैं गई थी। तो बस हाँ, ठीक ठाक की है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और आज आप लोग को एक बात बता रही हूँ, मैं ना आज पहली बार उतना दूर, मतलब 5 किलोमीटर आज पहली बार मैं अकेले स्कूटी चला के गई थी। जाने के टाइम में 5 किलोमीटर, आने के मतलब टोटल हुआ 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में आज खुद स्कूटी चला के गई थी और बहुत अच्छे लगा एक्सपीरियंस। और इस तरह से रोज़ रोज़ अगर चलाऊंगी तो और भी अच्छे चला पाऊंगी। थोड़ा भी अभी मतलब डर है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम हो गया है, पहले से थोड़ा कम हो गया है डर। तो बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं आके चावल बैठाई हूँ और दाल तो हो गया है, बस उसको छौंका लगाना है। और अभी बस सब्जी चढ़ाई हूँ और चावल बन रहा है और बच्चे लोग अभी नहा रहे हैं। तो बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, बस कुछ प्रॉब्लम चल रहा था इसीलिए नहीं बना रही थी। तो टाइम भी नहीं दे पा रही थी, तबीयत भी थोड़ा अच्छा नहीं था, अभी भी तबीयत उतना सही नहीं है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप लोग उसको एंजॉय कर सके। तो चलिए अभी वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए मैं और अभी और क्या क्या काम करती हूँ, ठीक है? तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी बेटी का स्कूल है, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। अभी 10:30 बजे बुलाया था तो मुझे निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया है। तो वहाँ से देखिए आगे से एक पेरेंट्स आ रही है, दोनों साथ में मिलके जाएंगे, यहीं तक ही मेरे वीडियो बनाऊंगे, अंदर नहीं बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चावल चढ़ाई हूँ और यहाँ पे सब्जी, और ये दाल हो गया है कुकर में, उसको खाली छौंका लगाना है। अभी लेट हो गया है ज़्यादा भी कुछ, तो मैं थोड़ा सा मतलब कॉपी देखते थोड़ा सा टाइम हो गया, बस कॉपी ही दिखाए हम लोग को, तो थोड़ा सा टाइम हो गया। तो पेरेंट्स लोग भी गए थे बहुत सारे बच्चे का, तो उन लोग से बातचीत करते करते थोड़ा टाइम भी हो गया है, इसीलिए लेट हो गया थोड़ा। फिर जल्दी जल्दी आके मैं फटाफट से चावल वाल चढ़ा दी हूँ, अभी 1 बज रहा है तो हो जाएगा आप आधा घंटा में। तो ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स, बस बिना प्याज लहसुन का ही बना रही हूँ। देखिए कुंबड़ा, आलू और वही कुंदरू या कुंदरी क्या बोलते हैं, वही सीधा सब्जी बना रही हूँ और दाल बनाई हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। मैं तो फास्टिंग कर रही हूँ और बस हमारे घर के सदस्यों के लिए ही बना रही हूँ। सुबह तो रोटी बनाई थी और बरबट्टी का सब्जी बनाई थी। तो मेरा लंच बन गया है, अभी मेरे बच्चे लोग और मेरे ससुर जी यहाँ पे लंच खा रहे हैं और हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए हैं और उनको टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इन लोग अभी लंच कर रहे हैं। इन लोग लंच करने के बाद ये सब काम करूँगी, बर्तन वर्तन धोऊँगी, तो बस। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे और मेरा कपड़ा यहाँ पर सूखा हुआ है, गला है इस साइड में, देखिए आधा कपड़ा मैं उठा के ले गई हूँ और आधा कपड़ा है अभी सूखा नहीं अच्छे से। धूप तो हुआ था लेकिन थोड़ा कम धूप हुआ था, इसीलिए ज़्यादा सूख नहीं पाया। और मेरी छोटी बेटी अभी भी सो रही है, बड़ी बेटी उठ के पढ़ाई कर रही है और मैं अभी जा रही हूँ कपड़ा सब समेटूँगी। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं कपड़ा सब समेट के रखी हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा प्यारा
और थोड़ी देर के बाद बच्चे कॉलोनी में निकल जाएंगे खेलने के लिए। सारे बच्चे लोग का एग्जाम तो ख़त्म हो गया है अभी, अभी तो छुट्टी हो जाएगा, दुर्गा पूजा छुट्टी कल से, और हम लोग गांव जाने वाले हैं। देखते कब जाते हैं। देखिए ये सब हमारे कॉलोनी है, क्वार्टर्स है, देख सकते हैं इस तरह सा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं उठ के मतलब थोड़ा देर रेस्ट की थी, बच्चे लोग सब हस्बैंड लंच करने के बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट की थी, और अभी जस्ट हो गया है, आधा घंटा पहले मैं जगी थी, और सारे जो बर्तन वगैरह था सब साफ सफाई कर ली, किचन को साफ कर ली, और कपड़ा भी लेके आई हूँ वहाँ से, बाहर से सुखाई थी, कुछ कपड़ा तो सूखा आप लोग को जैसे दिखाई थी, और कुछ कपड़ा नहीं सूखा है, तो उसको अभी रखूँगी और थोड़ा देर 4:30 बजे तक उठा के लेके आऊँगी, नहीं तो फिर ओस गिरने लगेगा ना, फिर भीग जाएगा। अभी तो ठंडा का मौसम शुरू हो जाएगा अभी दिसंबर से, इसीलिए हल्का हल्का मतलब लग रहा है, जैसे कि जो सुबह के 4 बजे टाइम हल्का ठंडा लगता है, पंखा बंद करना पड़ता है और जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, तो इसीलिए मुझे वो उठा के लाना पड़ेगा सबको। तो बस आज का ब्लॉग कुछ इस तरह सा था, और आशा करती हूँ आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया है, तो मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बाय।